एडिशनल सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी एंड एफ ए, हमारे सभी सहयोगी जॉइंट सेक्रेटरीज और सभी मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई उन सभी ने जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और डिस्टिंक्शन हासिल किया, पुरस्कार प्राप्त किया, और उनको भी जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उनके बगैर पुरस्कार प्राप्त करने का मजा ही नहीं, तो कोई लूज़र होना चाहिए तब आप विनर बनते हैं, तो उनको भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी बधाई देना। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं समझता हूँ कि ये पुरानी परंपरा रही है मिनिस्ट्री में और इसका पालन किया जा रहा है। मेरी इच्छा होगी कि इसको और मजबूती दी जाए और व्यापक स्वरूप में इसको आयोजित किया जाए और ज़्यादा खेल भी इसमें शामिल किए जाए। मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं कि ये वजह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो वजह है, या लोग ज़्यादातर सामने नहीं आते, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की आवश्यकता हो संसाधन की या और किसी भी तरह की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम लोग निश्चित रूप से उस दिशा में काम कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं, बट अगर कोई इस समारोह को देखेगा तो उसको यही महसूस होगा कि इस मंत्रालय में और शायद मीडिया यूनिट्स में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा फिट हैं और वो अच्छी बात है, तो इससे हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमको भी उससे, मतलब ये तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है खेल, बट जनरली फिटनेस बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, और इनफैक्ट मेरी समझ में ये नेशनल पैशन होना चाहिए कि सब लोग फिट रहें, उससे सबको फ़ायदा है, व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा है ही है और कलेक्टिवली भी फ़ायदा है। एक ज़माने में कई मिनिस्ट्रीज़ में शुरुआत हुई थी, दोपहर को योगा क्लासेस भी किया जा का आयोजन किया जाता था और करते थे, मुझे पता नहीं यहाँ भी कभी शायद शुरुआत हुई होगी किस ज़माने में, या पता नहीं, बट अगर वो उन चीज़ों को है निर्माण भवन में, लेकिन अपने आप ही हो सकता है, इस अगर सब लोग कलेक्टिवली चाहें तो ये भी हो सकता है, जहाँ की एक इनफैक्ट किसी एक मिनिस्ट्री में मैंने देखा कि एक कमरा ही योगा रूम बनाया गया था उन्होंने, जिसमें कि लोग जा कर के करते थे। आई थिंक दिस ऑल्सो मे नॉट बी अ बैड आइडिया इफ़ यू परसू दीज थिंग्स। इस अवसर पर मुझे नहीं समझ आता किस कला मैं क्या कह सकता हूँ, तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर से ये आश्वासन कि अगर आप इकट्ठे होकर के सोचें कि इस दिशा में हमें और बेहतर आयोजन करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि मंत्रालय को इन चीज़ों को उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और अंत में उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जिन्होंने इसको आयोजित किया, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको, मुझे पता नहीं कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, लेकिन जो कोई भी रहे हैं मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।